हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुजोक एक्यूप्रेशर। आज मैं आपको कलर थेरेपी के बारे में बताऊंगी, जो एक्यूप्रेशर का सुजोक का पार्ट है। ये एक्यूपंक्चर का कॉन्स्टिपेशन का ट्रीटमेंट बता रही हूँ मैं आपको। अगर हम पानी ज़्यादा नहीं लेते हैं बॉडी में, रूटीन पानी कम लेते हैं जो लोग, या उनकी डाइट की कुछ चेंजेस से हमारे बॉडी में कॉन्स्टिपेशन होनी स्टार्ट हो जाती है, कब्ज की प्रॉब्लम रहनी स्टार्ट हो जाती है। तो मैं आपको उसका ट्रीटमेंट बताती हूँ कलर थेरेपी के थ्रू, जो बहुत इजी है, कोई भी कर सकता है इजीली। ये देखिए, ये मेरी लिटिल फिंगर है। इसमें मैंने स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन के पॉइंट्स के ऊपर पूरी ऐसे लाइन बनाई हुई है। ये देखिए, आपने भी ऐसे ही बनाना है। लेफ्ट और राइट हैंड दोनों में हमारी लिटिल फिंगर है, जो उसके फर्स्ट पार्टीशन होता है ना, ये हमारी लाइंस का, तो ये पार्टीशन जो है जहाँ पे लाइंस दिखाते हैं, वहाँ पे हमने फ्रंट और बैक साइड दोनों पे ये रेड कलर से स्केच पेन का यूज़ करना है। किसी बॉल पेन का या जेल पेन का यूज़ नहीं करना आपने। और जो ये कलर थेरेपी के थ्रू कलर लगाना है, ये 6 to 8 आवर्स ज़्यादा से ज़्यादा आपने रखना है, इससे ज़्यादा नहीं रखना। ओवरनाइट आप मत रखिएगा। 6 to 8 आवर्स में आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिल जाएंगे, इसके मैजिकल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। कुछ डेज आपने ये रेगुलर करना है। तो आपने ये पॉइंट्स को ध्यान से देख लीजिए, बोथ हैंड की, लेफ्ट एंड राइट बोथ हैंड में, फ्रंट और बैक साइड दोनों, यिन एंड यांग साइड। एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर के अकॉर्डिंग ये है यिन और ये है यांग साइड। तो आपके अकॉर्डिंग जो इजिली समझ आएगा वो लेफ्ट एंड बैक साइड पे और फ्रंट पे। कंप्लीट इसको ऐसे रेड कलर से कर लेना है, ओनली 6 to 8 आवर्स के लिए। ये ट्रीटमेंट आप बच्चों के लिए भी कर सकते हैं, बच्चों के हैंड्स में अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो। बट 7 ईयर्स से कम के बच्चे को ये मत लगाइएगा। वो इसलिए कि अगर वो मुंह में डाल लेगा तो आपको पता है कि कलर्स में केमिकल्स होते हैं, तो वो उसको फायदा देने की जगह नुकसान करेंगे। और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसको ओवरनाइट मत लगाइएगा, क्योंकि कलर्स, हर कलर अपना इफेक्ट दिखाता है, क्योंकि हर किसी की बॉडी अपने अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग बनी होती है। तो 5 एलिमेंट्स को लेके हमारी बॉडी बनी है। मैंने आपको पहले भी वीडियो में यही बताया है कि अगर कोई भी एलिमेंट डिस्टर्ब हो जाता है तो हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, और इनके ऑर्गन्स के भी कलर होते हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ कि ओवरनाइट मत लगाइएगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि जो लगाएंगे हर पर्सन की बॉडी के क्या है, हीट है बॉडी में, कोल्डनेस है, क्या है, कौन सा एलिमेंट उनका बेटर है और कौन सा उनका डिस्टर्ब हुआ है, बूस्टअप हुआ है और डिस्टर्ब हुआ है। तो इस करके आप 6 to 8 आवर्स इनको अपने लिटिल फिंगर में आपने लगाना है, और उसके बाद इसको रिमूव कर देना है। वंस अ डे ओनली, दिन में एक बार। नेक्स्ट डे फिर आपने रिपीट करना है कुछ डेज तक, तो आपकी ये कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। आज मैं कॉन्स्टिपेशन के बारे में इतना ही बताऊंगी आपको। वाटर के बारे में बताती हूँ कि जो वाटर है, पानी पीना हमारी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है, बहुत फायदेमंद है, ये आप सबको पता होगा। लेकिन टू मच वाटर, अगर बहुत ज़्यादा पानी पियेंगे आप तो भी हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। वो कैसे होती हैं आप देखिए, कई बार कहते हैं कि इनकी बॉडी के अंदर फ्लूड जमा है, एडिमा हो गया है, पानी ज़्यादा है इनकी बॉडी में, प्रेस करते हैं तो गड्ढा भर जाता है। तो इट मीन्स कि उनका वाटर एलिमेंट उनकी बॉडी में ज़्यादा है। ठंड ज़्यादा लगती है किसी को, अगर उनके हाथ लगाने से दब जाता है वो पोर्शन, वो पार्ट दब जाता है और पानी फील होता है कि इनकी बॉडी के अंदर पानी है, तो वाटर एलिमेंट के ज्यादा होने से स्वेलिंग आ जाती है बॉडी में। इसलिए अगर जो नॉर्मल वर्क वाले हैं उनको 4 to 5 लीटर वाटर जो है वो इनफ है डेली के लिए। अगर हैवी वर्क वाले हैं तो उनको ज्यादा, 6 to 7 लीटर्स पानी ठीक है उनके लिए, 8 लीटर्स तक भी वो ले सकते हैं। बट इससे ज्यादा, बहुत ज्यादा लेंगे तो फिर बॉडी में कोई भी चीज के ज्यादा होने पे और कम होने पे प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे हम कुछ भी लेते हैं, अगर हमारी बॉडी के अंदर डाइट पूरी नहीं लोगे तो वीकनेस आ जाएगी और बॉडी हमारी वीक होती जाएगी, स्टेमिना नहीं रहेगा। और वाटर एलिमेंट डिस्टर्ब होने से तो हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो भी वीक हो जाता है। इस करके बहुत ज़्यादा नहीं लेना है कि 10-15 लीटर दिन का लेते जाओ,
जिनको हैवी वर्क नहीं है उनके लिए 4 to 5 लीटर इनफ है, 6 लीटर्स तक भी इजीली ले सकते हैं। और ल्यूक वॉर्म लें मॉर्निंग में तो बेस्ट है, पानी बहुत बेस्ट है हमारी बॉडी के लिए, तो ल्यूक वॉर्म लें। लेकिन ये नहीं कि हर आधे घंटे में, विंटर्स भी हों तो आधे आधे घंटे में रिपीट करें। कुछ पेशेंट ऐसे भी देखने को आए हैं जो बार बार लेते हैं लेकिन उनकी बॉडी में वो एलिमेंट ज़्यादा बढ़ जाता है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। पानी लें, बहुत ज़्यादा लें लेकिन इतना ज़्यादा भी ना लें कि जिससे कि हमारी बॉडी के अंदर हमारे डाइजेस्टिव जो सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाए। और अगर बहुत कम लेंगे तो भी डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा, हमें खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम सेंटर कर जाएंगी। इसलिए हर चीज़ का फायदा भी है और नुकसान भी है। तो आज की वीडियो में मैं आपको इतना ही बताऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।